अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, टॉपिक 2.4 टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। इन टुडेज लेसन वी विल डिस्कस टर्म्स वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 2.2 एंड एग्जांपल 2.3। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस लेसन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड के केस में हमने डिस्कस किया था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा हमने स्पीड का फॉर्मूला और उसका यूनिट भी डिस्कस किया था। अब हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी समहाउ स्पीड से रिलेटेड है। स्पीड में हम सिंपली डिस्टेंस की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, बट इन वेलोसिटी वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट डायरेक्शन। यानी कि अगर हम स्पीड के साथ बॉडी की मोशन की डायरेक्शन ले लें तो ये बनती है वेलोसिटी। यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड बेसिकली स्पीड है और डायरेक्शन अगर हम ले लें तो ये प्रॉपर फॉर्म बनती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ है, डिस्टेंस यूज नहीं हुआ। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस को हमने यूज किया था इन द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इन द सेम वे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, इन द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको याद होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, यानी कि यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। यूनिट टाइम जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था, एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो यूनिट टाइम में यानी कि टाइम इंटरवल में बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन ऐड हो गई है, तो ये बेसिकली है बॉडी की वेलोसिटी। नेक्स्ट हम वेलोसिटी की फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मींस इन ऑर्डर टू डिस्कस वेलोसिटी वी नीड टू नो अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्कस करें तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं हमने v और d को बोर्ड लिखा है क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्हें बोर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो v इज इक्वल टू d बाय t से क्या बनेगा? d इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t। नेक्स्ट हम वेलोसिटी का यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? मीटर। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस ही है लेकिन साथ हम डायरेक्शन काउंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर ही होगा। इन द सेम वे अगर हम टाइम की बात करें, टाइम जो यहाँ पे आपको स्केलर फॉर्म में नजर आ रहा है, वी और डी वेक्टर फॉर्म में है, बोल्ड नजर आ रहे हैं, टी स्केलर है, तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो इस तरह से अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यूनिट देखें तो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। आपको याद होगा स्पीड के केस में भी हमने सेम यूनिट डिस्कस किया था। वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम है, डिफरेंस आता है डायरेक्शन के केस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने स्पीड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड को भी डिस्कस किया था। इन द सेम वे हम वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। इन द सेम वे अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, इट मीन्स बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। डिफरेंस कहाँ पे आया है? डिफरेंस आया है बेसिकली डायरेक्शन में। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ डायरेक्शन काउंट कर लें तो ये बनती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लें, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाती है, तो दोनों चीजें मिलकर एक वेक्टर टर्म बना रही हैं डिस्प्लेसमेंट।
अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को किस तरह से डिस्कस करेंगे. अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी. यानी कि बॉडी अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया है, डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. इसी इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को भी. अगर हम डी और वी की जगह डिस्टेंस और स्पीड लें, यानी कि स्केलर टर्म्स लें, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अभी हमने डिस्कस किया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब है जब बॉडी का इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो. डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे और बॉडी की डायरेक्शन सेम रहे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 2.2. अ स्प्रिंटर कम्प्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. स्टूडेंट्स, हमें 100 मीटर से आइडिया हो गया है. स्टेटमेंट में अगर हम गौर करें तो 100 मीटर है बेसिकली डिस्टेंस, और हमें टाइम के यूनिट सेकेंड से आइडिया हो गया है. 12 सेकेंड क्या होगा? टाइम होगा. तो पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. जो स्टेटमेंट से हमें आइडिया हो रहा है कि स्प्रिंटर 100 मीटर रेस को 12 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है. इट मींस 100 मीटर क्या है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम क्या है? 12 सेकेंड्स. और हमने फाइंड क्या करनी है? एवरेज स्पीड. यानी हमारा डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं, हमने सिर्फ स्पीड फाइंड करनी है. और स्पीड का फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो हम सिंपली क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 12 से, और हमारे पास आंसर आएगा 8.33 मीटर्स पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड बेसिकली स्पीड का यूनिट है, तो एंड पे हम यूनिट भी साथ लिखेंगे. रिजल्ट क्या होगा? स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर्स पर सेकेंड. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2.3. A cyclist completes half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes. Find its speed and velocity. Students, हमें कहा गया है कि एक साइकिलिस्ट है और ये सेमी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, और इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का अगर हम रेडियस देखें तो वो है 318 मीटर, और टाइम हमें बताया गया है 1.5 मिनट्स का, और हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड और वेलोसिटी. सबसे पहले हम गिवन डेटा में लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेडियस है 318 मीटर, टाइम दिया गया है 1.5 मिनट्स, यानी कि 1 मिनट और 30 सेकेंड्स. तो इसे अगर हम कम्प्लीटली सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है और हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स है. दोनों को ऐड करेंगे 90 सेकेंड्स आएगा. हमने टाइम को सेकेंड्स में क्यों किया है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम का. और इस तरह से लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ किस में है, रेडियस किस में है? मीटर में है. तो लेंथ का या डिस्टेंस का जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट की अगर हम बात करें वो है मीटर. इस तरह से अगर हम टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो वो है सेकेंड. तो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट तो स्टैंडर्ड ही है ऑलरेडी, लेकिन टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड नहीं था, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया सेकेंड में. उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड की, यानी पहले हम बात करेंगे स्पीड की. अब स्पीड का फॉर्मूला अगर हम रिवाइज करें तो स्पीड के फॉर्मूला में क्या आता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. और आपको याद होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिस्कशन में हमने एक छोटी सी डायग्राम डिस्कस की थी, जिसमें हमने एक प्रॉपर पाथ फॉलो किया था डिस्टेंस को शो करने के लिए, और शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट किया था डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए. यानी कि अगर हमने सेमी सर्कुलर ट्रैक में एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, अगर हम ये पूरा पाथ एज इट इज फॉलो करें तो ये बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है. तो मींस हम ये जो एरिया लेंगे, ये जो लेंथ लेंगे, ये हमारे पास क्या होगी? डिस्टेंस की फॉर्म में होगी. तो हम स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अब यहाँ पे हमारे पास ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है, यानी पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो हम ये प्रॉपर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा? अगर हम गौर करें तो ये अगर कंप्लीट करें तो ये हाफ सर्कल है, अगर पूरा करें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा. और अगर हम ये गौर करें तो ये बनती है सर्कमफेरेंस. अब ये हमारे पास हाफ सर्कल है, अगर पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस की बात करें तो वो आती है 2πr. अभी हमारे पास हाफ सर्कल है तो हम क्या करेंगे, 2πr को 2 से डिवाइड करेंगे.
तो हमारे पास क्या आएगा, सर्कमफेरेंस पाई आर, यानी कि पाई इंटू रेडियस। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली सर्कमफेरेंस है, जो पॉइंट ए से बी तक हमने ये जो पिंक लाइन से शो किया गया है ट्रेवल करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पाई आर यानी पाई इंटू रेडियस से डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ इस डायमीटर के अलोंग होगा, यानी पॉइंट ए से सीधा हम पॉइंट बी की तरफ जाएं, ये जो ब्लू लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, और डायमीटर का हमें आइडिया है कि ये रेडियस का डबल है, यानी डायमीटर क्या होगा 2R, यानी 2 इंटू रेडियस। तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे 2 इंटू 318 मीटर, यह आएगा 636 मीटर। अब स्पीड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमने सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट किया है उसे यहाँ पर पुट करेंगे, और उसके बाद टाइम पुट करेंगे। टाइम दोनों के लिए सेम ही कैलकुलेट होगा, सेम ही आएगा, 90 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, हमारे पास स्पीड आएगी 11.1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अगर हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन देखें तो वेलोसिटी के केस में हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये आएगा 636 डिवाइडेड बाय 90, डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर आएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइड इन्फॉर्मेशन। साइड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अगर हम पेज नंबर 36 की बात करें तो पेज नंबर 36 पे हमें लिडार गन दी गई है और उसकी पिक्चर दिखाई गई है, और पिक्चर के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि लिडार गन का फंक्शन क्या है। लिडार गन बेसिकली मोटरवे स्पीड कैमरा में यूज होती है। लिडार गन में लेजर लाइट यूज होती है। होता क्या है कि लिडार गन से लेजर लाइट निकलती है और व्हीकल से रिफ्लेक्ट होके वापिस आती है। इस तरह से लिडार गन से बार बार हम लेजर लाइट भेजते हैं जो व्हीकल से रिफ्लेक्ट होके वापिस आती है। लिडार गन लाइट रे के जाने और आने का टाइम नोट करती है। इसके अलावा लाइट रे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होके वापिस आए ये भी नोट करती है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को गौर से देखें तो ये डिस्टेंस हमारे पास एस फॉर्म में है, और लिडार गन टाइम भी नोट करी, यानी कि टी नोट कर रही है। अगर हम फॉर्मूला रिवाइज करें स्पीड का, तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस तरह से लिडार गन पल्सेस भेजती रहती है लेजर लाइट की, और पल्सेस व्हीकल से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापिस आती हैं। लिडार गन इन डिस्टेंस नोट करती है, टाइम नोट करती है कि कितना टाइम लिया है रेज ने रिफ्लेक्ट होने के लिए, और इन दोनों को यूज करते हुए हम व्हीकल की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक साइड इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर 36 पे ही, और ये साइड इन्फॉर्मेशन है टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। अ पैराट्रूपर अटेन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी विद विच इट कम्स टू ग्राउंड, यानी कि पैराट्रूपर नीचे आ रहा है, जाहिर है वो नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन उसकी सेम है, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। पैराट्रूपर नीचे आ रहा है, डायरेक्शन उसकी सेम है, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसकी स्पीड सेम रह रही है, तो दोनों को अगर हमें ऐड करें तो हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आज के टॉपिक में है। सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 3 है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर ली, आज हमने वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 है, डिफाइन द टर्म्स स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर ली है, वेलोसिटी आज डिस्कस की है, इंशाल्लाह एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को बुक पे मार्क कर लीजिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।